इसके जो वेरिएबल है वो आप सेट कर सकते हो। देखो कितना साउंड चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। ये जोर लगाती है इसके अंदर, तो ये यहाँ से इसको खींचता है और तेज की। बस अब वॉल्व खोल दो दोनों। हेलो दोस्तों, आज हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है दोबारा से अली भाई के साथ में, क्योंकि अली भाई का काम है ऑसम और इनके हाथों के अंदर जो सफाई है उसके तो क्या ही कहने, वो मतलब 10 में से 10 नंबर है उनके। तो जो वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि हम किसी भी बाइक में कैसे वो वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। तो ये सैंपल कुछ है मेरे पास में जिनसे कि मैं बनाऊंगा जोड़ तोड़ करके। आओ चलो देखते हैं कि वो कैसे बनाए और उनका क्या रिज़ल्ट आ सकता है। अभी के सिनेरियो में मेरी बाइक के अंदर आवाज़ नहीं है, ठीक है। अब मुझे आवाज़ क्रिएट करनी पड़ेगी जानबूझ के, क्योंकि मुझे ये जो मीठी मीठी वाला साउंड है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे आवाज़ क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट हमें बनाने। तो हम क्या करेंगे आज अली भाई, ये टर्बो को पहले करेंगे बाईपास, क्योंकि जब तक हम टर्बो को बाईपास नहीं करेंगे तब तक हमारा ये जो सिस्टम है ये सही से पब्लिक को पता नहीं चल पाएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या सीन है मैं बताता हूँ। यहाँ आओ अली भाई, प्लान ये है कि वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट जो होता है ना कुछ इस टाइप से काम करता है। इसके तीन सिरे होते हैं, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट जो जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है इंजन से, और ये पार्ट जुड़ा होता है एक साइलेंसर से जो कि कंपनी का ही होता है, ठीक है। ये साइलेंसर वाला पार्ट है, यहाँ पे लगता है एक वेल्वोट्रॉनिक वॉल्व जो कि इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, ठीक है। अब इसका जो मेथड होता है ना काम करने का, वो क्या होता है, जब यहाँ से स्मोक आता है और ये वॉल्व बंद है, ये वॉल्व क्लोज है, तो वो जो धुआं है वो यहाँ से चला जाता है और नॉर्मल वाले एग्जॉस्ट में जाता है, तो कोई भी साउंड नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई साउंड नहीं मिलता है यहाँ पे, लेकिन जब हम रिमोट दबाते हैं वेल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट का तो ये वाला वॉल्व खुल जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज़ करते हैं इस तरफ, और यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होता इस वाले पाइप में, तो यहाँ से इंजन का जो स्मोक होता है वो डायरेक्ट ही निकलने लग जाता है, और यहाँ पे क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड, स्पोर्ट साउंड क्रिएट होता है। अब आप इसके आगे, इस पाइप के आगे कोई साइलेंसर लगाओ, या फिर इसी पाइप को यहाँ पे आप मतलब बीच के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा सकते हो, ठीक है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेगा। हाई परफॉर्मेंस मफलर यहाँ पे लगा हो सकता है, ये वाला पाइप यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, तो वो हर एक कंपनी का बनाने का अपना जुगाड़ है, समझ गए। कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ है जिसमें से स्मोक जाएगा, और जब वॉल्व ऑन हो जाएंगे तो उसमें नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से और आपके मफलर में निकल जाएगा। लेकिन हमारा क्या सीन है अली भाई, कि हम बनाएंगे अपना इंडियन मेड वॉल्व विदाउट एनी कैटालिटिक कन्वर्टर और विदाउट एनी डायरेक्शनल पाइप, कोई टी यूज़ नहीं करेंगे, कोई यूज़ कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में क्या आइडिया है मैं बताता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ, तो आपने अगर स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट देखे होंगे ना, तो उनमें यहाँ पे कोई डीबी किलर वाले फंक्शन भी आते हैं, जो डीबी किलर होता है जिसको एलंकी से खोलना पड़ता है, डीबी किलर निकल जाता है। लेकिन उस डीबी किलर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, आपको बाइक रोकनी पड़ेगी, है ना, आपको एलंकी लेनी पड़ेगी, आपको एलंकी से उसको खोलना पड़ेगा, वो दोनों निकालने पड़ेंगे या एक निकालना पड़ेगा, फिर उसको बैग में रखना पड़ेगा। तो वही डीबी किलर हम यहाँ पे बनाएंगे बाय, मतलब यहाँ पे बनाएंगे हम ऐसा वॉल्व टाइप करके, और फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे किसी वायर से जिसके नोब लगेंगे आगे, जैसे कि मैंने बता रखा है। तो अली भाई सीन ये है कि हमें जो डीबी किलर बनाने ना, वो डीबी किलर कुछ इस टाइप से बनाने हैं, उनके लिए हमें कुछ इस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी है। एक है ये कि निप्पल टाइप बोल सकते हैं इसको, या कनेक्टर टाइप बोल सकते हैं, और एक किसी भी बाइक के अंदर लग सकता है ना जी। तो हम इसी को ही लेंगे, और तो हम इसके अंदर एक फिट करेंगे, ये सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी ये फाइनल इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा इस टाइप का वॉल्व, और हम उस वॉल्व को कनेक्ट करेंगे एक इस टाइप के नोज़ल से। ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ प्रोटोटाइप में है, बाकी जब हम इसको बनाएंगे तो ये अलग टाइप से खूबसूरती के साथ में बनेगा। ये वॉल्व कनेक्ट होगा मान लो ऐसे, ये इसके चला जाएगा अंदर। अब इसके अंदर जब ये चला जाएगा, और ये वाला जो नोज़ल होगा हमारे पास में खोलने बंद करने वाला, ठीक है, वो लगेगा यहाँ, उसके बराबर में यहाँ एक बारीक सुराग होगा जिसके अंदर स्प्रिंग डलेगा। अच्छा, स्प्रिंग डलने के बाद जब हम उसे यूं इस तरीके से खोलेंगे, फिलहाल वो खुला हुआ होगा इस तरीके से,
और उधर से जब हम बंद करेंगे वायर के ज़रिए तो वो ऐसे बंद हो जाएगा। तो मतलब उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा कि एक एंगल डिसाइड कर लेंगे, है ना, जी, कि वही वाले एंगल पे खुलेगा और वही वाले एंगल पे बंद होगा, उससे ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। और उसके अंदर डालेंगे एक स्प्रिंग जो कि स्टार्टिंग के अंदर तो बंद ही रहेगा, जी जी, है ना, जब लेकिन जब उसे खोलें तो वो खुल जाए, तो वो खुल जाए और वो खुलने के बाद में रुका भी रहे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी, ये कैसे कैसे करते हैं। अली भाई का पूरा हिसाब किताब आपको पता ही है, बहुत अच्छा काम करते हैं और ये वाला काम भी अली ही कर रहा है। तो जी ये बन रहा है हमारा वॉल्व, मतलब वो वाला फ्लैप जो खुलेगा बंद होगा, अभी दिखाता हूँ कंप्लीट होने के बाद। तो इसका बेसिकली जो आइडिया होता है वो ये होता है कि आप अपने ये जो जगह होती है ना इसका 20% छोड़ें बड़ी बाइक्स में, छोटी बाइक्स में तो 15% भी छोड़ सकते हैं, और बहुत बड़ी बाइक्स के अंदर जिनके हज़ार हज़ार सीसी के इंजन होते हैं उसमें आपको कम से कम 40% के आसपास छोड़नी पड़ेगी जगह, क्योंकि अगर छोड़ोगे नहीं तो वो एक टक्कर कहलाएगी और वो इंजन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो हम अपनी बाइक के अकॉर्डिंग इसको देखो, जैसे कि हमने ये निशान लगा लिया तो 20% छोड़ेंगे, देखो इसके अंदर रख के दिखाओ। तो अभी ये जो है ये वाला जो स्पेस है ये है 10% के आसपास, इसको हमें डबल कर देना है 20 हो जाएगा। तो जी ये बन गया है फ्लैप और ये 20% में है, मैं अगर दिखाऊँ तो ये देखो इतना हिस्सा हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हमारा जो इंजन है वो सही से ब्रीथ कर सके। अगर आप इसको भी बंद करोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है जो कि मैं बता रहा हूँ। अब ये काम करेगा डीबी किलर का, वो कैसे काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। डीबी किलर लगा होता है यहाँ पे, वो भी क्या करता है कि जो बीच वाला पोर्शन होता है ना उसको फाड़ के साइडों से निकालता है, ठीक है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम अपना डीबी किलर यहाँ पे लगाएंगे, तो जो मेन जो बेस क्रिएट होती है ना वो क्रिएट होती है सेंटर से, जो बैंड पाइप होता है उसके सेंटर से या एग्जॉस्ट के सेंटर से बेस क्रिएट होती है, उस बेस को फाड़ दोगे तो वो ट्रबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस हमें उस बेस को फाड़ना है, उसको ट्रबल के अंदर कन्वर्ट करना है और ये हमारा काम हो गया। ओके गाइस, हमारा बन गया है प्रोटोटाइप, कुछ इस टाइप का दिखता है, ये सैम्पल पीस है तो इसके अंदर फिनिशिंग ज़्यादा नहीं है। और ये बन गया है हमारा वॉल्व अंदर का, और ये इतना ज़्यादा टाइट है कि आप इसको मतलब इसके जो वेरिएबल है वो आप सेट कर सकते हो, देखो कितना साउंड चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये कुछ इस टाइप से सेट हो सकता है। अभी क्या है, अभी जो आप स्पेस देख रहे हैं वहाँ पे वो ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, वो 15% ही स्पेस है। तो हम इसको बढ़ा के जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट जब बना रहे होंगे तो इसको बढ़ा के हम 25% के आसपास कर देंगे, जिससे कि ब्रीथिंग स्पेस बढ़ जाएगा और हमारे जो डीबी किलर है वो सेंटर में ही लगा रहेगा। फिर इसके साथ में क्या होगा, देखो ये है लीवर, अब यही लीवर पहले मैनुअल है अभी के सिनेरियो में, तो अब मैं इस लीवर को जब ऐसे करूँगा तो मैं चाहूँ कि मेरी जो बाइक है इसका साउंड 20% आए तो 20% ही आएगा। मैं इसको ऐसे कर दूंगा 40%, ऐसे कर दूंगा, इस स्टेप से कर दूंगा, तो फिर भी हमारे पास में इतना स्पेस होगा कि हमारा जो साउंड है वो थोड़ा सा कम ही आएगा और कम ही ट्रैवल करेगा यहाँ से। जब मैं इसको पूरा खोल दूंगा तब भी 100% नहीं लेकिन 97% के आसपास आएगा, क्योंकि बीच के अंदर आपको ये वाला जो देख रहे हो आप रोड ब्लॉकर इस टाइप का बीच में लगा होगा, फिर भी वो जो साउंड होगा वो कट के आएगा और स्मूथ साउंड आएगा। तो ये वॉल्व है हमारा मैनुअल, और इसके अंदर आप चाहो तो ब्लॉकिंग भी लगा सकते हो कि इतना ही खुले इतना ही खुले, बाकी हम अभी ब्लॉकिंग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये वैसे इतना ज़्यादा टाइट है कि इसमें जान लगा के हमें इसको खोलना या फिर बंद करना पड़ रहा है। वो क्यों और ये कैसे बना, उसका बनाने का रीज़न है ये, पीछे हमने इसमें स्प्रिंग का यूज़ किया है और इसको यहाँ पे वेल्ड कर दिया है, और ये जो ये वाली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वाशल, ये जोर लगाती है इसके अंदर, तो ये यहाँ से इसको खींचता है, और जब ये खींचता है तो इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि हमें इसमें स्टॉपर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको किसी भी तरीके से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है सैम्पल जो कि हमने बना लिया है, अभी इसको टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट तो बाइक में लगाने के बाद ही करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 15% को बढ़ा के हम 25% कर देंगे जिससे कि ब्रीथिंग वैल्यू जो हो उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े, और ये दोनों यहाँ पे लगेंगे। अब इसके अंदर भी वेरिएबल्स होते हैं, आप इसको ऊपर की तरफ रखना चाहते हो अपनी बाइक में ऊपर की तरफ रखो, बाहर की तरफ रखना चाहते हो बाहर की तरफ रखो, बाकी मैं इसको कुछ इस टाइप से रखूँगा, इस टाइप से मैं इसको रखना चाहूँगा, या तो ऊपर की तरफ या फिर साइड में या फिर पीछे की तरफ, कि किसी को ये परेशान ना करे। और ये जो आप देख रहे हो जो हमने इसका लीवर बनाया है इतना ऊंचा, वो इसलिए कि अगर छोटा लीवर बना देते ना तो वो लीवर इतना गर्म हो जाता कि हम हाथ से उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, हमारा हाथ जल जाता। एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वो बहुत गर्म होंगी, वो गर्म तो इसको भी करेंगी साथ साथ इसको भी करेंगी, तो इसको इतना लंबा बनाना ज़रूरी है कि आप इसको ऑपरेट कर सकें ईजिली, वरना हाथ जल सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग जो एग्जॉस्ट है इनको उतार रहे हैं, इनकी ये खोल देंगे,
निकाल देंगे इनको जैसे पिछली बारी फंसाई थी। तो मेरे सिनेरियो के अंदर क्या है कि हमने फंसा रखा था इसको, खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुलेगा तो कुछ और देखते हैं इसका जुगाड़। तो मेरे सिनेरियो में क्या है कि ये जो एग्जॉस्ट है ये इसके अंदर फंसा हुआ था, और ये वाला जो कपलर है हमारा, ये जो होल्डर है, ये उसके अंदर ठुका हुआ था। अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे तो इसके अंदर तो हमारा वाला सिस्टम लग नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ को हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो हमने टर्बो खोल रखा है, और टर्बो खोलने की वजह क्या है वो मैं बता चुका हूँ पहले कि हमें साउंड नहीं मिल पा रहा था इसका, बिल्कुल साउंडलेस हो गई थी भाई। तो अभी अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से खुला हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अगर इसी को ऐसे बंद कर सकें तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो काम बन नहीं पा रहा तो हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। एक बारी पहले साउंड चेक करते हैं, ठीक है, ये इसमें साउंड आ रहा है। अब हम अगर ये वाली शीट को लगाएं तो इसमें, तो यहाँ पे साउंड आ गया, लेकिन यहाँ पे भी कोई खास साउंड नहीं आ रहा है, कमी आ रहा है। इस वजह से क्योंकि ये जो पोर्शन है ये टक्कर मार रहा है इसके अंदर और फिर जा रहा है स्मोक उधर, तो हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा। वो कैसे बाईपास करने के लिए कुछ चीज़ें हैं मेरे पास में, जैसे कि ये और ये वाला कप, तो सेम ऐसी फिटिंग बनाने के बाद में ये कप इसमें लग जाएगा और ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके बाईपास हो जाएगी ये वाली फिटिंग, कुछ इस टाइप का प्लान है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत से टर्बो लगाया और ये सब कुछ किया, इतना टाइम टर्बो के अंदर खर्च किया, फिर अब टर्बो हम हटाने हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हम टर्बो हटा नहीं रहे हैं, टर्बो को सिर्फ पॉज किया है। टर्बो का जो ये वाला जो हमारा चल रहा था सीक्वेंस, इसको सिर्फ पॉज किया गया है, कोई हटा नहीं रहा है इसको। ये दोबारा से लगेगा, वो पता कैसे, अब जब ये दोबारा से लगेगा तो इससे ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से लगेगा, फिटिंग सारी ये यूज होगी, नया खरीद के टर्बो लगेगा इसके अंदर, और ऑयल सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारे सेंसर्स के साथ में, फैन वैन लगाने के साथ में, तब एक प्रॉपर टर्बो चार्जिंग होगी इसके अंदर, वो होगी स्टेज टू। ये थी स्टेज वन कह सकते हो, लेवल वन कह सकते हो। तो क्योंकि हमें अभी वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट बनाने हैं, इस वजह से इन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है। ये सब चीज़ें मेरी शौक की चीज़ें हैं, तो इसमें जितने पैसे लगे वो मेरे थे, तो अब जितने पैसे लगेंगे वो भी मेरे हैं। तो अब है ये हमारा सेकंड प्लान, अब ये करते हैं फिर आगे का वीडियो दिखाता हूँ। पब्लिक देखना चाहती है फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया है, ये रहा मेरे हाथ में फाइनल है। जरा एक बार खोल बंद करके दिखा दो इनके वॉल्व्स कि ये कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया प्रोटोटाइप से फाइनल में बनाने में, लेकिन हमने इतना अच्छा काम किया है और इतने अच्छे से किया है कि ये कहीं नहीं जाने का अब, है ली भाई जी? बिल्कुल, और ये पूरा फर्स्ट क्लास काम, ये पूरा ऐसा परफेक्ट बन गया है कि बस एक बार ही लगा लिया उसके बाद भूल गए इसको लगा के, ना ही कभी ये घिसने वाली आइटम है ना जी, ना ही ये खराब होने वाली आइटम, मेटल के अंदर ही बनी हुई है और स्टील के अंदर ही बनी हुई है। तो ये जो कप्स हैं ये तो वही मिलते हैं स्पोर्ट्स बाइक के एग्जॉस्ट के साथ, और अगर आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो जैसे कि मैंने आपको आइडिया दे दिया, लेकिन नहीं अगर बनवाना तो मैं अली भाई का एड्रेस तो नीचे डाल ही दूंगा, आप इनसे यहाँ पे आके बनवा सकते हैं ये, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो। लेकिन अगर आप दूर रहते हैं तो kingindian.in पे आपको वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट हर एक बाइक के लिए मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेप्टर GT का, ठीक है, जो इंटरसेप्टर GT यूजर है उनको kingindian.in पे ये वाले वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। आप ऑर्डर कीजिए, एक हफ्ते बाद आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा, है ना। तो अब इनको लगाते हैं बाइक में, फिर देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट क्या है, मतलब फाइनल आउटपुट क्या है इस चीज़ की। चलो बाइक में लगाएं। तो दोस्तों हमें ये वेल्वेट्रॉनिक लगाने के लिए ना अपने इस बैंड पाइप का ये जो हिस्सा है, ये वाला कॉलर जिसको बोलते हैं, ये हिस्सा काटना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो वेल्वेट्रॉनिक है वो यहाँ तक है और ये कॉलर हमें काटना पड़ेगा। और काटने के बाद ये कैसा दिखता है, ये दिखता है कुछ ऐसा, और अब इसके अंदर ये फिट हो जाएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जी काम हो चुका है, टर्बो को बाईपास कर दिया यहाँ से, ये देखो बाईपास हो चुका है, ठीक है। अभी जब नया लगाना होगा तो हम इसके अंदर नया लगा देंगे, इसलिए ये वाली फिटिंग्स बनाई है कि इनको नट बोल्ट्स खोले और नया टर्बो घुसा दिया। और ये देख लो ये भी कितनी फिनिशिंग से है। इन सब पाइप्स की वजह से एक काम हो गया है कि जो साउंड आ रहा है ना अब वो कंटिन्यूस साउंड है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा साउंड है। और जबकि हमने इसके अंदर ये वाले वॉल्व्स लगा दिए हैं वेल्वेट्रॉनिक जिनको मैं बोल रहा हूँ, जिसको कि मैंने आपको दिखा रखा है, इतना प्यारा इसी चीज़ बनने के बाद वो लग भी कितनी खूबसूरत रही है और वो किसी भी बाइक में लग सकती है, उसको आप घर पे ही बना सकते हो। हमने उसके बीच में इतना मार्जिन छोड़ा है कि आपके इंजन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब करते हैं इसको एक बारी टेस्ट और फिर देखते हैं कि कितना बेस है और कितना मेरा माइक कैमरे का माइक कैप्चर कर पाता है इसको, बेस जो उसकी आ रही है और जो बेस नहीं आ रही है, उन दोनों को फ़र्क दिखाने में। तो अली भाई कैसा लग रहा है ये सब कुछ काम करके, मज़ा आया? मज़ा आया।
नई चीज़ है ना, बिल्कुल ही, और किसी ने नहीं बनाई। चलो तो अपने अच्छे अच्छे हाथों से जरा बाइक को स्टार्ट कर दो, दोनों वॉल्व सभी बंद हैं। अभी क्लोज से दिखाऊंगा, आगे से पीछे से। चलो स्टार्ट कर दो। हाँ अभी रुको, अभी इसको आइडियल पे रहने दो। आइडियल पे ऐसा साउंड पीछे से मिल रहा है, ध्यान से सुनते रहना जो भी ये वीडियो देख रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सुनो, सॉरी अली भाई, थोड़ा सा एग्जॉस्ट दो, ओ सॉरी एक्सलेटर दो, एक्सलेट करो। अभी वॉल्व बंद है, अब बस रुक जाओ, अब आगे से देखते हैं। थोड़ा सा दो एक्सलेटर, हाँ रुक जाओ, अब तेज की दो, और तेज की, बस अब वॉल्व खोल दो दोनों। ये वाला खोल दो सही से, अब थोड़ा सा थ्रॉटल दो, हाँ वाह मजा आ गया। एक सेकेंड, अब दो थोड़ा सा थ्रॉटल, थोड़ा सा, हाँ रुक जाओ, अब दो तेजी से, और दो। अभी तो हमने इसका किया है एक ऐसे अंदर शॉप के अंदर टेस्ट, अभी मैं कल इसको निकालूंगा, रोड पे घूमने जाऊंगा, तब दिखाऊंगा कितना फर्क है हाई आरपीएम पे जब वॉल्व बंद कर रहे हैं तो कितना फर्क है अली, जब हम वॉल्व खोल के चला रहे हैं हाई आरपीएम पे तो कितना फर्क है, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा रोड टेस्ट पे। तो जी कैसा लगा ये वीडियो? बिल्कुल ही अनोखा था, बिल्कुल नई चीज थी, और जिस तरीके से हमने सोचा और बनाया दोनों में फर्क है काफी, और ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए। क्यों ली? बनाने वाला डायरेक्ट नहीं बना सकता, सोचने वाला बना नहीं सकता, है ना? सोचा बनाया ऐसा करके ये चीज अब हो गई है इम्प्लीमेंट। और अभी ये तो मैंने आज तो प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, अब हम इनके बना रहे एक्चुअल प्रोडक्शन मॉडल्स, है ना? एक्चुअल प्रोडक्शन मॉडल्स बनाएंगे, पहले बनाएंगे इंटरसेप्टर और GT 650 के लिए, फिर बनाएंगे कोई सी भी बाइक के लिए, जौन सी भी आपके पास है सब सारी बाइक्स के लिए बन जाएगा। ठीक है, छोटी सी चीज़ है, आप चाहें तो kingindian.in पे एक बाइक देख सकते हैं, और अगर आप आके ये काम कराना चाहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो अली का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अली को कॉल करो, अपॉइंटमेंट ले लो और यहाँ पे आके अपना काम करा के बाय बाय। ठीक है, तो चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।